अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग मोमो का व्लॉग। कैसी है कुछ ऐसा कि एक और ट्रिप की तैयारी हम लोगों की हो रही है शुरू। मैं नहीं मानता। और हम लोगों ने इंशाल्लाह इंशाल्लाह इस बार रह जाना है। अच्छा, काम क्या है कि मुझे पासपोर्ट अपना बनवाना है, मेरा पासपोर्ट एक्सपायर हो रहा है और सुनने में आ रहा है कि काफ़ी डिले हो रहे हैं इस बार पासपोर्ट आने में। तो मैंने कहा कि अभी फटाफट बनवा लेता हूँ क्योंकि एक डेढ़ महीना तो है अभी मेरा पासपोर्ट एक्सपायर होने में, तो मुझे निकलना है रियाद। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं, गाड़ी का ऑयल वॉयल ये वो सारी चीज़ें चेंज करवाते हैं और उसके बाद देखते हैं कि हम लोगों ने कब निकलना है, किस तरीके से निकलना है, कि टाइम पर निकलना है, कि हम लोग टाइम से वहाँ पहुँच जाएँ और थोड़ा सा रियाद भी आप लोग को एक्सप्लोर कराएंगे। यला हबीबी व्लॉग्स कैप बीबी। ये आ गया फिलहाल ऑयल वॉयल चेंज कराने के लिए लॉन्ग ट्रिप पर। अल्हम्दुलिल्लाह से ऑयल वॉयल चेंज हम लोगों ने करवा लिया था। अभी हम लोग फिलहाल जो है वो घर आ गए हैं और घर आने के बाद जो है वो अलीना ने कढ़ाई वढ़ाई बनाई है खाने के लिए, वो करते हैं खाना वाना। ये आ गया खाने में कढ़ाई रोटी, रोटी हम लाए थे बाहर, और आगे ड्रिंक्स और बस खाते हैं खाना रात का और मिलता है आपको खाने के बाद। इन्हें कुछ ऐसा कि गाड़ी का काम वाम तो आपको बता दिया था कि मैंने कर लिया था सारा, और फिर उसके बाद शेक शूप कराने चले गए थे। हमने कहा यार पासपोर्ट पे अच्छी तस्वीर है, वैसे ही टिंडी करवाई हुई हमने। अभी टाइम हो रहा है कुछ 3:30, बस अब फजर की नमाज़ पढ़ेंगे और बाकी जो है वो मुझे अपने कपड़े वगैरह मिस्त्री कर रहा था क्योंकि ये तो सिर्फ जो मैंने पहना है ये ट्रैवलिंग के लिए पहना है। ये शर्ट यहाँ पर जो है मैं इस्त्री अपनी करने के लिए मैंने रख दी है, ये इस्त्री करते हैं और उसके बाद निकलते हैं रियाद के लिए। निकलना था हमें रात में और हो गई है सुबह। खैर है, हमारे पास टाइम है, इतने कोई टेंशन की बात नहीं है कि हमें जो है वो फ़ौरन जाना था और कुछ करना था, टाइम है हमारे पास। तो सामान मैं लेके आ गया हूँ, एक बैग जा रहा है, डैम की स्टोरेज जा रही है और हमारे पास है यहाँ पे कुछ हमारे 2-3 बैग्स हैं जिसमें हमारे एक में डॉक्यूमेंट्स हैं, एक में डैम की चीज़ें हैं और एक में मेरी ज़रूरत की चीज़ें जो रास्ते में मुझे पड़ सकती हैं, और ये शायद आपके भाई ने रख ली है। तो फिलहाल टाइम हो रहा है 5, हमें वैसे जाने बजे निकलना था, एक ही घंटा ऊपर हुआ है, 5 बज रहे हैं, निकल गए और पेट्रोल भी जो है वो एक सेकंड फुल करवा लिया हमने। और ये दो शख्सियत मेरे साथ जा रही हैं, मिस्टर दाइम और अलीना। और भाई तैयार दूसरे ट्रिप? चलो भाई, तो बस अब हम लोग जो है वो सफ़र शुरू करते हैं। निकल गए, पेट्रोल फुल हो गया है, तो विदाउट एनी ब्रेक इंशाल्लाह, अगर ज़रूरत नहीं पड़ी रोकने की तो विदाउट इंशाल्लाह एनी ब्रेक हम लोग डायरेक्ट इंशाल्लाह ताला रियाद पहुंचते हैं और डायरेक्ट हम लोग को जाना है एम्बेसी। और रास्ते में भी आपको दिखाते रहेंगे कि अगर कहीं रुके या कुछ भी सीन। अल्हम्दुलिल्लाह जो पासपोर्ट का मेरा काम था वो हो गया। वहाँ पे मोबाइल अलाउड नहीं था, मोबाइल ले लेते हैं और वो एरिया में भी रेस्ट्रिक्शंस है तो वहाँ पे व्लॉग नहीं बनाया। और अल्हम्दुलिल्लाह से सारे काम निपटाने के बाद हम लोग आ गए हैं रियाद गैलरी मॉल और इंशाल्लाह ताला उसका भी विज़िट आपको अभी करवाते हैं थोड़ी देर में। गाड़ी लगाती है और ये जो है ना मेरा छोटू, ये लोल है छोटा सा बच्चा। तो बस अब हम लोग चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं अंदर के व्यूज़। ये है कुछ मॉल इस तरीके का, और ये ऊपर भी पूरे जो इंजन है भी हम लोग आहिस्ता आहिस्ता जाते रहेंगे और आपको दिखाते रहेंगे। ये है इनका ग्राउंड फ्लोर और यहाँ पे सारे ब्रांड्स और सारे ब्रांड्स के कपड़े सब 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 मिल जाएगा। और ये मेरा छोटू भी जो है वो भी हो गया रेडी। जामो जामो पापा। ये चेक करें, यहाँ पे भी सारी शॉप्स हैं और यहाँ पर जो है वो पूरा इन लोगों ने जो है वो कॉफ़ी शॉप्स वगैरह का सेटअप भी किया है। ये फिर ऐसी दुकानें जो है ना, मैं जाती नहीं उन दुकानों में। और ये चेक करें, ये बहुत प्यारा व्यू, यहाँ पे फवारे ववारे चल रहे हैं और यहाँ पे जो है वो सत्तार भाई का बक्स भी है, बैठे हैं लोग यहाँ पे चुस्कियाँ ले रहे हैं कॉफ़ी। ये देखें, ये फ्रंट व्यू है पानी का। और ये चेक करें, फवारे ववारे चल रहे हैं यहाँ पे तो फवारे। और यहाँ पे भी ये दूसरे साइड की सारी जो है वो शॉप्स वगैरह इधर आ गई हैं और बड़ा बहुत अच्छा माशाल्लाह। डेकोरेशन से रिलेटेड 10 out of 10 यार, माशाल्लाह बहुत अच्छा मुझे ये लगा बनने में। यहाँ पर ये पहुँच गए हम फाइनली लिफ्ट तक और अब हम लोग जाएंगे फूड कोर्ट पे जो कि है सेकंड पे। पहले कुछ खापा करते हैं, खाना वाना खाते हैं यहाँ भाई, है ना। चलो भूख लग रही है, चलो कुछ खापा वापा करते हैं और उसके बाद फिर देखते हैं आगे की शॉपिंग।
ये शुरू हो गई है सारी फूड स्ट्रीट, और अब हम लोग ढूंढ रहे हैं कि अच्छा ये दोनों तरफ जो हैं वो फूड स्ट्रीट हैं, और हम लोग जो हैं वो ढूंढ रहे हैं कि हम लोगों ने क्या खाना है। अच्छा ये बच्चों का भी सेक्शन है, ये बच्चे अच्छे खेलें अपना सुकून से यहाँ पर। कुछ इतना ढूंढने के बाद हमें मिले हैं ये सारे आइटम खाने के, और अब करते हैं हम लोग अपना दोपहर का खाना और बड़ी प्यारी लोकेशन पे, और मिलते हैं आपको खाना खाने के बाद। खाना वाना अल्हम्दुलिल्लाह से हम लोगों ने खा लिया है, और यार ये चेक करें क्या ज़बरदस्त इन लोगों ने जो है वो ब्रिजिंग की हुई है, और ये कुछ है ऊपर से व्यू नीचे का पूरा, और मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि ये जो है ना वो हिल रहा है। ये है दूसरी साइड का व्यू नीचे का, और यहाँ से जो है वो फवारे वारे वाटरफॉल जिसे कहते हैं हम इंग्लिश में, वो चल रहे हैं, ये चेक कर रहे हैं यार माशाल्लाह। और ये पूरा जो है ना सेटअप, ये पूरा जो है ये यहाँ से यहाँ तक पूरा ये खाने का था। अच्छा ये आ गया है जी यहाँ पे प्ले लैंड बच्चों का, ये पूरा जो है वो प्ले लैंड का एरिया है, और बस अब ये है कि अब यहाँ चलते हैं थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पर क्या सेटअप है बच्चों का। अभी तो मेरे ख्याल से मुझे ना ये बंद ही लग रहा है, ज़्यादा भी इस पर कुछ खुला भी नहीं, लेकिन चीज़ें हैं यार मज़ेदार चीज़ें हैं। और ये देखो ये दोनों जो हैं वो वहाँ पे रुकी हुई हैं, अब यहाँ पे ये सेल्फियाँ वेल्फियाँ लेंगी, थोड़ा सा एंजॉय करेंगी। ये देखें शुरू स्नैपचैट शुरू इन लोगों की, तो बस अब चलते हैं अंदर, और अंदर चल के देखते हैं कि क्या क्या है मंजन। हम यहाँ पे आए, हमने कहा यार टाइम को ज़रा घुमा फिराते हैं, अब पता नहीं अलाओ है नहीं है अभी जाना, लेकिन है चीज़ें चीज़ें तो हैं, तो हम भी ज़रा एक्सप्लोर कर लें कि क्या क्या है बच्चों के खिलौने और बड़ों की क्या क्या है यहाँ पे है चीज़ें करने की। तो बस अब जो है वो देखते हैं मंजन, और फिर निकलने की करेंगे यहाँ से थोड़ी नीचे दुकान वगैरह देखते हैं, उसके बाद निकलने की करते हैं। पर ये देखें कैसा ये शो हो गया मेरा बच्चा, एक दूसरे देखिए अल्लाह इतनी सारी लाइटें पापा जिंदगी में गाई में इतनी सारी लाइटें, वाह इतनी सारी लाइटें। ये कन्फ्यूज हुआ है अभी, इसको समझ में नहीं आ रहा कि यार ये क्या जगह है, ये कहाँ आ गया। ये बच्चों के साथ साथ जो है वो बड़ों का भी पूरा मंजन है, फास्ट एंड द फ्यूरियस की गाड़ी यहाँ, लेकिन यार ये पता नहीं अब कब खुलेंगी, और अगर कुछ खुलने का होता तो खेलता मैं ज़रूर, लेकिन अब पता नहीं उतनी देर तक हम लोग रोकेंगे या नहीं। लेकिन यार बहुत VIP सेटअप है यार माशाल्लाह, बहुत अच्छे अच्छे गेम्स हैं, मज़ेदार गेम्स हैं, मतलब खेलने के बहुत एक्साइटमेंट वाला सेटअप लग रहा है ये, बस अब इसको देखना है ये खुले तो फिर पता चले यार क्या सीन है यहाँ का। वहाँ से हम लोग निकल गए, खूब खेला खूब खेला, उसका व्लॉग हमने नहीं बनाया क्योंकि हम दोनों के दोनों ही लगे हुए थे, और जो टिकट हमने हासिल की है वो सारे टिकट हमने बच्चों को दे दिए। अब उसके बाद जो है ये अलीना साहिबा को खानी है ये आइसक्रीम, ये इधर देखो ये रही आइसक्रीम डेजर्ट डेजर्ट, इन्होंने कहा कि यार खाना मैंने खा लिया अब उसके बाद आइसक्रीम तो होनी चाहिए। अच्छा अब इसके बाद हम लोग जा रहे हैं अब नीचे की तरफ, थोड़ा शॉपिंग वगैरह हम लोगों को करनी है, तो नीचे की भी शॉप्स वगैरह देखते हैं, और उसके बाद जो सबसे मेन यहाँ पे है जगह वहाँ हमें जाना है, अगर होपफुली वो जगह हमें खुली भी मिल गई क्योंकि उसके टिकट्स हमें नहीं मिल रहे, लेकिन मेन चीज़ ये है कि हमें जाके देखना है कि वो खुली है या नहीं खुली है। तो फिलहाल ये पहले पौड़म पहाड़ी मचाएं, उसके बाद जो है हम अपनी शॉपिंग वॉपिंग करें। जल्दी करो जल्दी करो जल्दी 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 दिखाओ, शाबाश शाबाश जल्दी दिखाओ। ये हम लोग आ गए हैं बॉलीवुड सिटी जैसे कि आप देख सकते हैं। अच्छा इसके रात के मंजर जो है ना वो बेहद खूबसूरत हैं, लेकिन मसला ये है कि हम लोग जो हैं वो ज़रा जिस काम से निकले थे उस काम से हम लोग हो गए जल्दी फारिग, तो हम लोग आ गए, हमने कहा ज़रा दिन के टाइम में भी देख लें। अच्छा बेसिकली मुझे जाना था, अगर वो सामने अगर आप लोग देखें ये लिखा हुआ बॉलीवुड वर्ल्ड, ये शायद क्लोज हो चुका है, और बॉलीवुड वर्ल्ड और बॉलीवुड सिटी एक ही मतलब आगे पीछे ही मंजन थे, तो बॉलीवुड वर्ल्ड जो है वो बंद हो चुका है, तो हमने कहा चलो बॉलीवुड सिटी में देखते हैं। तो बड़ा प्यारा है, जिस तरह अगर सामने अगर आपको दिखें तो ये सारी जो है वो स्क्रीनें हैं जो चल रही हैं। अब इसके असल जो मंजर है वो रात में पता चलेंगे, अगर तो हम रात तक रुके यहाँ पे कर भी बर्दाश्त कर सके तो इंशाल्लाह आपको रात के व्यू भी दिखा के जाएंगे यहाँ से। वैसे ये देखें स्टार्ट में ही सबसे पहले जो है ये बड़ा प्यारे लग रहा है ये है, और मेरा बच्चा सुकून से बैठ के ये देख रहा है, सबसे अच्छी बात ये है इन सब में। ये चेक करें ये एंट्रेंस में कुछ इस तरीके का मंजर है सारा, ये सारा ये जो मंजन है वो ये है, और ये भी अपनी स्नैपचैट खोल के बैठ गई है ये। अलीना गई है यहाँ पे अंदर पानी लेने के लिए, यार इतनी प्यास इतनी प्यास इतनी गर्मी है, ये डायरेक्ट सूरज जो है ये सूरज मामा हमारे सर पे खड़े हुए हैं साले यहाँ पे, और ये जा नहीं रही है, लेकिन यार माशाल्लाह माशाल्लाह व्यू से लेके और ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत प्यारा है यार माशाल्लाह। पहले आना चाहिए था यार, यहाँ पर गलती हो गई, और यहाँ पे अंकल भी हैं वो आपका फ़ोटो शूट भी कर रहे हैं, तो हमने अभी नहीं करवाया, अभी हमने कहा पहले यार कुछ पानी वानी का सेटअप लें, फिर आस्ते आस्ते ये सारी दुकानें जो हैं वो देखते हैं। और मेरा बच्चा जो है वो लाल टमाटर हो चुका है, टाइम जामू
दामू ये देखे, ये लाल टमाटर हो गया मेरा बेबी, ये तो गुच्छे में देख ला, पापा कहाँ ले आए आप मुझे। सारे इन लोगों ने बता दी कौन सी चीज़ किधर है, तो सबसे पहले हम जो है वो फाउंटेन के पास चलते हैं और वहाँ पे देखते हैं क्या है। यहाँ पे अच्छा लग रहा है कुछ मंजन, तो पहले यहाँ पे चलते हैं और मज़ेदार मेरे को मज़ा आया। आप मेरे को यहाँ से टेलीफोन भी करना है, ये जो टेलीफोन लेकिन ये तो खैर ऑडियो बुक लाइब्रेरी है, वरना ये पहले ज़माने के टेलीफोन हुआ करते थे। तेरे घर के सामने जो टेलीफोन बूथ है मैं वहाँ से कॉल कर रहा हूँ। चलो अभी चलते हैं फाउंटेन की तरफ, चलते हैं यहाँ से और आपको दिखाते हैं फाउंटेन के मंजर। ये भी सारे रेस्टोरेंट का मंजर है, हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और आपको दिखाते जा रहे हैं कि मैं सोची का कि कुछ रिपीटेड है। अब ये है असल में हम भी ना फाउंटेन की तलाश में निकले हुए और वो फाउंटेन जो है ना वो ज़िंदगी में हमें भी नहीं मिल रहा कि वो है किधर। तो फिलहाल यार यहाँ पर कहीं चलते हैं इधर और यहाँ से पीते हैं कुछ ठंडा। फाइनली जो है वो ये, मैं बहुत दिन से जो है ये नहीं, ये तो मैं रोज़ पीता हूँ, इसके बारे में मैं सोच रहा था कि मैं ये पीऊँगा और फाइनली अलीना ने मुझे आज दिलाया ये। थैंक यू अलीना, किस मुंह से मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करूँ अलीना, इस मुंह से इसको तो मैं पीऊँगा। अच्छी लगी और मेरा, हाँ यार टेस्ट बाकी बहुत अच्छा है इसका। और ये देखो ये आपको भी पीनी है, अभी से आप कोल्ड कॉफ़ी पीना शुरू करेंगे क्या बाबा? अभी आप तो जुटू भी आ गए चले। हाँ जी चलो भैया, अभी ये जो है अब थोड़ा सा हम लोग जो है वो बैठे और यार बहुत अच्छे लोग हैं अंदर, इतने हसमुख और इतने अच्छे लोग हैं, मेरा बहुत मुझे अच्छा लगा इनके स्टाफ से, वीआईपी स्टाफ है इनका। तो फिलहाल जो है बस हम लोग जो हैं वो ये मेरे लिए आई थी और ये कभी इधर जा रही है, 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 ये देखिए। ये चेक करें, ये कलेजा फाड़ गया, लव रियाज निकला इसका है नहीं ना, कलेजा फाड़ गया, लव रियाज निकला इसका, बहुत ज़ोर से लव रियाज हो रहा है ये, लेकिन यार बहुत प्यारा भी कैसे। ये चेक करें आप, जैसे जैसे हो गई है शाम, गिर गए हैं दम, ये देखिए ये बन गया है, ये पतनी कौन सा पतनी बढ़ गया और ये एक्यूरियम बन गया है, बेहतरीन 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 हैं। नहीं यहाँ नहीं जाएंगे, मेरे को तो ये अच्छा लग रहा है। और ये बेचारी आंटियाँ खड़ी हुई हैं, जब जब हम इनके पास जाते हैं कुयाँ बॉक्सिंग बॉक्सिंग कुयाँ ये करती हैं, इतना से बोलती है, लेकिन फिर हम इनको मना कर देते हैं। ये चेक करें, ये फाउंटेन था जो मैं ढूंढ रहा था, चेक करें यार माशाल्लाह, ये पूरा जो है वो दुबई वाला मिनी दुबई सेटअप है और ये पूरा जो है वो साउंड पे चल रहा है। वो देखें बच्चों को हमने छोड़ दिया, अम्मा वहाँ निकल गए, मैं यहाँ निकल गया। अच्छा ये देखें, ये पूरा म्यूज़िक पे चल रहा है सेटअप और ज़बरदस्त यार यही। अब ये देखें आप जिस तरीके से शाम होती जा रही है और भी खूबसूरत मंज़र होता जा रहा है और यहाँ पे ये लोग जो हैं वो ये बैठे हुए हैं हमारे, ये चले चलो, ये जो है ये हमारा जो छोटू जो है वो मेरा, अब जाके इनको थोड़ी सांस में सांस आई है क्योंकि गर्मी से जो है वो टमाटर हो गए हैं। चले चलो 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 चलो, बस अभी काम करते हैं, अब चलने की करते हैं थोड़ी सी, अब थोड़ी ठंडी हवा चली है यार, थोड़ा सा सुकून हो गया है। हाँ अब हम चलते हैं यार इस तरफ, अब हम लोगों को जाना है ये साइड, हम लोग पूरी देख के आ गए हैं, अब हमें जाना है ये साइड पे, तो अंदर जाके देखते हैं कि स्क्वायर टू में क्या है। ये यहाँ पे जो है वो पानी का मंजन चल रहा है, मेरे ख्याल से शायद आपको यहाँ से ना दिखे तो आपको करीब से दिखाएंगे। और ये भी कोई गेमिंग वेमिंग का कोई मंजन है इन लोगों का, जो पीछे भी एक हम लोग छोड़ के आए हैं और ये सामने है एक मोटा हाथी घूमने गया, पता नहीं कैसा ये कलरफुल हाथी है ये। और बाकी का सीन है कुछ इस तरीके का कि ये डोनेट डोनेट की भी शॉपें हैं और ये चेक करें यार माशाल्लाह इतना प्यारा लग रहा है, पता नहीं कैमरे की नज़र से ये कैसा लग रहा है लेकिन माशाल्लाह ये लाइव देखने में इतना प्यारा लग रहा है, इस पर लाइटिंग वगैरह मुझे लग रहा है ये रात के टाइम में और ज़्यादा, मतलब जब बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा तो ये और ज़्यादा हसीन लगेगा। अब बाकी ये जो है बॉलीवुड स्टूडियो, यहाँ चल के देखते हैं कि ये क्या मंजन है। ये नहीं, ये है शेख 99 साल पहले आए थे और ये यूँ ही खड़े हैं जवान के बच्चे अब तक। और यार ये इतना प्यारा लग रहा है और यहाँ से ना हल्की हल्की सी वो जो पानी की बूंदें हैं ना वो आ रही हैं और इतना अच्छा लग रहा है क्योंकि गर्मी इतनी है और मेरा टकला भी खुश हो रहा है इसको देख देख के। ये है स्टूडियो और यहाँ पे ये सारे गेम्स वगैरह का मंजन है खेलें और ये बड़े 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 हाथी जैसे टेडी बियर जो हैं वो ले जाएं। और इस तरफ भी कुछ इसी तरीके का है, क्या मैंने आज तक अपने लिए नहीं कर पाया ये कुछ भी।
तो ये वाला सीन है। हाँ यार कितना प्यारा डेकोरेट किया इन लोगों ने यार। I'm a Barbie girl in a Barbie world. अज़ान हो रही है। अस्तग़फ़िरुल्लाह हल बिला बार। आपने किया, आपने किया। You are a Barbie girl in an Islamic world. यहाँ पे फिर से ये आ गया। ये खेलो और बड़ा केला ले जाओ, ये वाला। ब्लू में ले जाओ, येलो में ले जाओ, ग्रीन में ले जाओ। और ये भाई साहब दे रहे हैं टेडी बियर, वो दे रहे हैं कुत्ते, वो दे रहे हैं शार्क, वो दे रहे हैं घोड़े, और ये भाई दे रहे हैं बर्गर, बड़गर बड़गर। अच्छा ये सही है, यहाँ पे हर स्टॉप पे जो है ना वो खाने पीने का इन लोगों ने अपना मंजर रखा हुआ है। हाँ अबे तो ये लेने वाली चीज़ भी तो नहीं है, ये इसका करेंगे क्या हम लोग। हाँ ये मंजन है और उसके बाद जरूरी नहीं है कि विन करो। हाँ हाँ मैं खेलना ही नहीं है, मुझे पता है मैं हार जाऊँगा, टेंशन ही नहीं है। वन इन टू विन, तो ये भी एक मंजन है इन लोगों का, ये खेलें और ये जो है वो जीते। हाँ जीते और TTBL ले जाएं, चूल्हा ले जाएं, माइक्रोवेव ले जाएं, ओवन ले जाएं। हाँ वो ये वाला मंजन होता है। अलीना कह रही है कि हमने जो स्टोरीज बुक्स वगैरह में जो चीज़ें पढ़ी हैं वो ये वाला होता है मंजन। वो तो खुदा ना खास्ता जीत गया भाई। ओहो भालू ने भालू ले लिया। तो ये जो है वो जीत गया और इतना इन लोगों ने शोर, इतना शोर मचा है जैसे पता नहीं क्या कर लिया इन्होंने। अच्छा हर जगह इन लोगों ने गेम्स वाला सेटअप रखा भाई, ये देखो तो स्पिन करो और जीतो और ले जाओ, हर गेम पे स्पिन करो। हाँ और बाकी जो है वो ये ट्रैक चेक करें, बस ये है और ये है आखिरी आखिरी का सेटअप यहाँ का। और ये थे वो चचा जो शोर मचा रहे थे बिला फजूल का, इतना सा टेडी बियर दे दिया बच्चे के हाथ में। ये देखो ये कुछ नहीं हुआ, धुर फिटे में। अच्छा गाइज अभी अलीना की भरपूर जिद पे हम यहाँ पे ले जा रहे हैं, जाओ इसको लेके जाओ अलीना। यहाँ पे इसने कहा कि ये देखो मैं तो कह रहा था कि भाई लाओ ले आओ कोई गेम वेम, अच्छा सा गेम दे दो, उठा उठा के पटकना रिंग विंग में है तो बोलो, तो फिर भाई तैयार है। भाई तैयार है, कोई और को टेंशन नहीं है। तो भाई फिलहाल जाके अंदर देखते हैं कि अंदर क्या है सीन। अच्छा गाइज एक तो घुसते के साथ ही ऐसा रोमांटिक मॉल किया हुआ है, रेड लाइट अकाउंट खोलता है यहाँ पे, ये समझ में नहीं आया आज तक मुझे। अच्छा ये पूरा जो है ना ये WWE के फैंस जो हैं ये पूरी शॉप उनके लिए है, यहाँ पे कपड़े हैं, बेल्ट्स हैं और चप्पलें वगैरह हैं और बाकी बच्चों के खिलौने वगैरह हैं, सारी चीज़ें। तो मतलब ये बेसिकली जो रिलेटेड है ये सारी WWE से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं कि जो भी आपको यहाँ से आके परचेज़ करना है, जो आप जितने भी बड़े आप फ़ैन हैं इनके या जो भी ऐसा सीन है वो यहाँ से आप आके आराम से परचेज़ कर सकते हैं। जिस तरह की ये सारी आप देख सकते हैं दुकानें वगैरह। ओह माय गॉड देयर इज़ अ कैब ऑल्सो, मुझे कैब भी लेनी थी लेकिन देखते हैं अभी क्या क्या चीज़ें हैं। रात का व्यू है ये जो मैंने आपको कहा था ना, ये रात में और ज़्यादा प्यारा लगेगा। तो ये देखें कि पूरी लाइटिंग हुई हुई है और ये पूरा शावर शावर शावर, अगर मैं आपको जूम आउट करके दिखाऊँ ये चेक करें, इतना प्यारा लग रहा है यार माशाल्लाह। ये है पूरा सिटी और सीन ये है कि बस अब हम करेंगे इसको अलविदा, बहुत हो गया मजाक और बहुत हो गई है थकान, तो अब बस इसको करेंगे दी एंड। हम आ गए अपने एंट्रिंग पॉइंट पे और अब निकल रहे हैं इस प्यारे हसीन सिटी को अलविदा करते हुए, क्योंकि माशाल्लाह यार नो डाउट बहुत प्यारा बनाया है, बहुत प्यारा बनाया है। तो बस अब यहाँ से निकलते हैं, गाड़ी में बैठते हैं और मिलते हैं आपको गाड़ी में बैठते हैं। हम लोग फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुँच गए, फरहान भाई की तरफ हम लोग पहुँच गए हैं और गाड़ी आपके भाई ने कर दी है यहाँ पे पार्क। तो मेरी गाड़ी में तो ये लगा नहीं सकते, सामान चेक करें आप तो हर जगह ही सामान ही सामान है, क्योंकि वो खुला हो के इधर उधर ही पड़ जाता है। तो बस अभी कुछ प्लान है हम लोग का कुछ खाने पीने का, तो फरहान भाई के साथ बैठते हैं, खाना पीना करने चलते हैं और क्या थोड़ी गपशप मारते हैं फरहान भाई के साथ और फिर उनको अलविदा कह के निकलेंगे हम अपने घर के लिए। आ गए हमारे फरहान भाई और अब हम लोग जाएंगे खाना खाने के लिए फरहान भाई के साथ। अच्छा फरहान भाई के मिलने के बाद मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई क्योंकि फरहान की हमारे फैमिली भी थी तो हम लोग नहीं लेते हैं व्लॉग में। तो मज़ा आया अल्हम्दुलिल्लाह यार, बहुत लजीज खाना हमारे फरहान भाई ने जो है वो जैतून रेस्टोरेंट में हमें खिलाया है और दिल गार्डन गार्डन सा हो रहा है, नबी शीरी हो रही है, मज़ा आ गया यार माशाल्लाह। लिटरली खाना ना मज़े का था, बहुत टेस्टी था माशाल्लाह। बाकी निकल गए हैं तमाम के लिए, टाइम से पहुँच जाए, साथ खैरियत से पहुँच जाए इंशाल्लाह। और अभी टाइम हो गया है कुछ 11:15, तो बस अब इंशाल्लाह ये कि फजर तक का है इंशाल्लाह हम लोग पहुँच जाए अल्लाह ने चाहा तो।
बाकी इंशाल्लाह फिर आपको दमाम पहुँच के मिलता है, या अगर कोई स्टॉप हम लोगों ने बीच में लिया तो बीच में आपको ब्लॉक में ले लूँगा। अच्छा गाइस, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में हम आ गए ये मार्ट में। मेरा जो है वो एनर्जी ड्रिंक बहुत ज़रूरी हो गया है मेरे लिए, क्योंकि बहुत शदीद नींद आ रही थी, तो मैंने कहा यार थोड़ा सा रुक के थोड़ा रिलैक्स कर लूँ और जी जनाब उसके बाद जो है वो चलता हूँ। तो ये मैंने अपनी ड्रिंक ले ली है, बाकी अलीना और दैम भी मेरे साथ ही हैं, वो अपन के अपने लिए ढूंढ रहे हैं। तो देखते हैं, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं और उसके बाद फिर सफ़र कंटिन्यू करते हैं। गाइस अल्हम्दुलिल्लाह से फाइनली घर पहुँच गए, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छा सफ़र गुजरा और बहुत अच्छा एक डे आउट था, छोटा सा ट्रिप था हमारा, कोई इतना लंबा ट्रिप नहीं था, लेकिन फिर भी यार 800 किलोमीटर गाड़ी चला के जाना और आना, लिटरली मेरी बीच में ये हालत हो गई थी कि मैंने अलीना को बोला कि यार थोड़ी देर गाड़ी रोक के जो है वो सो जाते हैं, इतनी नींद आ रही है, इतनी नींद आ रही है। लेकिन फिर हिम्मत करके थोड़ा सा ड्रिंक विंक पी के, थोड़ी चाय वाय पी के हमने कहा कि यार चलो बातें करते करते सफ़र गुजारते, और माशाल्लाह ऐसे ही हुआ कि हम लोग अपनी बातें करते 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 व्लॉग हमने बनाए नहीं, हम अपनी बातें करते करते माशाल्लाह घर तक पहुंच गए हैं। बस सामान जो है वो अब हम लोग थोड़ा बहुत जो ज़रूरी रखने वाले हैं, जो फ्रिज के आइटम है और तरीके की चीज़ें, वो बस हम लोग रखेंगे और उसके बाद जो है वो फिर डायरेक्ट सोने की तैयारी। तो अब मिलेंगे आप एक नए व्लॉग में, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब मस्त 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 मस्ट आप लोगों ने कर देना है। देखें आपका भाई आप लोग को अच्छी अच्छी चीज़ें दिखा रहे हैं ना यार, करो ना यार सब्सक्राइब, क्यों नहीं करते हो यार, क्या चला जाएगा भाई को, सपोर्ट अगर आप लोग कर लोगे यार, 300 का टारगेटेड 300 तो एटलीस्ट पूरा करके दे दो यार भाई को, छोटे छोटे से मेरे ख्वाब में, मैं नहीं बोलता मेरे को 1 मिलियन 2 मिलियन 4 मिलियन करके दो, 300 तो कर दो यार कम से कम प्लीज़। तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब मस्ट 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 कर दे, फिर मिलेंगे आपसे एक नए व्लॉग में। यला हबीबी व्लॉग्स कैप पी वी, अल्लाह हाफिज़।